हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो बेस्ड है कुछ स्टॉक्स के ऊपर। इन स्टॉक्स पे करेंगे अपन छोटा सा एनालिसिस और पता करेंगे इसमें क्या ट्रेड सेटअप बनता है। ये जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अभी हैं अपने सपोर्ट के आसपास, तो इनमें जंप आने की अच्छी खासी उम्मीद है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और इनमें क्या ट्रेड सेटअप बनता है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। दोस्तों पहला जो स्टॉक है जो अपन डिस्कस करेंगे वो है बाटा। ये इसका चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों वो है वीकली। अब ये दोस्तों ये रेड लाइन आकर आप देख सकते हैं, जो रेड लाइन जो है ये इसके सपोर्ट को डिनोट कर रही है, यानी इस रेड लाइन के ऊपर ही ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर है। अब दूसरा दोस्तों इसको अपन लेके आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली पे अपन देखेंगे दोस्तों अपने यहाँ पे आप क्या ट्रेड बन सकता है। देखिए दोस्तों अब यहां पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करूं जो कि इसके हाल फिलहाल जो अभी रेजिस्टेंस है इसको टच करते हुए जहां से अभी बाटा है, ये देखिए दोस्तों ये जो इसके पहले रेजिस्टेंस पॉइंट थे 1-2 यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिला, लेकिन जैसे इसने रेजिस्टेंस को क्लियर किया ये ऊपर की तरफ गया और आज ये वापस नीचे इसको रिटेस्ट करने के लिए आया है। ये तो दोस्तों हुई इसमें रेजिस्टेंस तोड़ने की बात। एक चीज और है दोस्तों जो यहाँ पे आपको चेक करनी है वो ये कि इसका जो सपोर्ट पॉइंट है या सपोर्ट का जो एरिया है इसका वो है लगभग 1270 से लेके 1275 के बीच में। ये देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको ये मार्क करें, ये जो एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। ये लगभग 1270-1280 के आसपास का एरिया है, यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेता है। अभी आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो हुई है लगभग 1306 रुपए के आसपास और ये मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आएगा तो ये लगभग 1270-1280 के आसपास वापस आ सकता है। तो अगर आप इसमें अब ट्रेड लेना चाहें तो ट्रेड इसका सबसे अच्छा ट्रेड जो बनता है वो है कि अभी इसका जो करंट प्राइस है 1306, यहाँ पे आप लगभग अपनी 10-20% क्वांटिटी ऐड कर लीजिए और इसको वेट करिए नीचे आने का। जब ये नीचे आए तो अपनी धीरे धीरे क्वांटिटी यहाँ पे आप ऐड करते जाइए। इसमें जो दोस्तों अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला पॉइंट, यानी लगभग 1200 के आसपास का जो पॉइंट है वो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसका जो टारगेट है दोस्तों वो टारगेट कैसे डिसाइड करें, तो ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी है दोस्तों ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है इसी को मैं यहां पे अभी क्लोन करता हूं। अब देखिए दोस्तों ये आप इस एरिया के ऊपर आके देख सकते हैं, जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे आप चेक करिए कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और जंप लिया, सपोर्ट किया और जंप लिया। अब इसी लाइन को यहाँ पे ये देखें अपन, तो इस पे ये देखिए एक ही लाइन और ड्रॉ करूंगा। इसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है अगर आज की कैंडल के हिसाब से मैं देखूं इसका ये जो है लगभग 1386 या 1390 के आसपास इसका टारगेट बनता है, जो कि आप यहाँ प्रीवियस के हिसाब से भी देख सकते हैं इसी पॉइंट के आसपास इसको आके रेजिस्टेंस मिला था। 1380 से लेके 1390 वाला जो एरिया है यहीं पे इसको आके रेजिस्टेंस मिला था। तो अपना पहला जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों वो यही है 1380 से 1390 के आसपास। अगर ये वाला एरिया भी बाटा क्लियर कर लेता है तो अपना दूसरा जो टारगेट है दोस्तों वो दूसरा टारगेट आएगा ये वाला एरिया लगभग, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, ये एरिया लगभग 1460 से 1470 वाला जो एरिया है वो अपना सेकेंड टारगेट होगा। 1450 से 1460-70 वाला जो एरिया है ये अपना सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये दोस्तों बाटा का ट्रेड है और इसमें एक अगर आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो इसमें एक सपोर्ट लाइन या नीचे डेली पे भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां से सपोर्ट आया, इसको सपोर्ट मिला, ऊपर गया, वापस हो सकता है इस एरिया पे आए टच करे और देन उसके बाद यहां से ये ऊपर मूव करे। तो अभी का जो इसमें बाटा का ट्रेड है दोस्तों वो अपनी बाइंग है, बाइंग लगभग 1270-1280 से लेके 1305-1310 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं।
विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1200 रुपए का। और साथ ही साथ इसका जो टारगेट है दोस्तों, पहला टारगेट आएगा 1380-90 का एरिया, और दूसरा जो टारगेट आएगा वो आएगा लगभग 1450 से 1460 का एरिया। ये तो हो गया दोस्तों अपना बाटा। सेकंड जो स्टॉक है दोस्तों जो अपन आज डिस्कस करेंगे वो है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है दोस्तों। इसमें ये जो रेड वाली लाइन है जो आप देख सकते हैं, डार्क रेड लाइन है, और ये जो डार्क ब्लू लाइन है, ये दोनों दोस्तों इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिनोट कर रही हैं। ये डार्क रेड लाइन इसका रेजिस्टेंस है और ये डार्क ब्लू लाइन इसका सपोर्ट है वीकली बेसिस के ऊपर। इसको अगर आप मैं डेली के ऊपर लेके आऊं दोस्तों, तो इस पर डेली पे आप चार्ट देखिए, ये चार्ट बन रहा है। देखिए दोस्तों ये जो रेड लाइन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ज्यादा डार्क नहीं है, ये इसके डेली के ऊपर है, और ये ब्लू लाइन जो है ये इसका सपोर्ट लाइन चल रही है, और ये एक चैनल के फॉर्म में चल रहा है। इसी चैनल के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। और ये दोस्तों अब अगर मैं ये वीकली वाली को 2 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूं, तो आप यहां देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। ये यहाँ से स्टॉक पहले ऊपर गया, देन नीचे आया, देन वापस ऊपर, देन नीचे, और इसी ट्रायंगल के फॉर्म में ये घूम रहा है। ये ट्रायंगल का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, जो कि लगभग लगभग ये दो जो कैंडल है इनके हाई के ऊपर आ सकता है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो आपका जो टारगेट होगा दोस्तों, वो पहला टारगेट जो आएगा, यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूं मैं आपको, पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो पहला टारगेट होगा अपना लगभग 2800 के आसपास। यहां से अगर ये 2790, 2800 ही मान के चलिए आप इसको, सॉरी 2700 ही मान के चलिए, 2700 पे आपका ब्रेकआउट आया तो पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो आएगा लगभग 2800 वाला एरिया। सेकंड जो टारगेट होगा दोस्तों अपना, सेकंड टारगेट होगा ये वाला जो कैंडल है इसका हाई लगभग लगभग 2900 के आसपास, और उसके बाद हाई जो आएगा दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पे, इसको भी ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये लगभग लगभग 3300 के आसपास, ये जो आपका एरिया है ये इस एरिया के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। यानी ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का इसमें ऊपर अप मूव है विद स्टॉप लॉस ऑफ, ये जो आप चैनल देख रहे हैं इस चैनल के बाहर का अपने को स्टॉप लॉस लेके रखना है। ये देखिए मैंने एक ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है जो कि अभी यहाँ सपोर्ट का काम कर रही है। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी ट्रायंगल के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है, और इसी लाइन से बार बार ये सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये है लगभग 2550 से 2560 के आसपास, तो इससे थोड़ा सा अपन एक नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग लगभग आप मान के चलिए 2510 2515 के आसपास का, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ये जो ट्रेड है दोस्तों लगभग 700-800 पॉइंट्स का विद स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट, अगर आज की आप क्लोजिंग देखें 2670 के आसपास क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का आपका इसमें स्टॉप लॉस है, और 700 पॉइंट का इसमें आपका टारगेट है। तो यानी ऑलमोस्ट 1:6 के आसपास इसमें आपका टारगेट, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों वो बनता है। काफी अच्छा ट्रेड सेटअप है बजाज होल्डिंग का भी। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देखिए, इसमें ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, दो ब्लैक लाइन जो है ये इसके चैनल का काम कर रही है, इसी चैनल के अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक छोटा सा एरिया भी यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर का जो एरिया है, ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ आए और यहाँ से जंप लेके वापस ऊपर चला जाए। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। अगर आप भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें तो जैसे ये नीचे आता जाए, ऑलमोस्ट जैसे अभी फर्स्ट मेरी जो बाइंग होगी दोस्तों वो होगी लगभग 2150-2160 इस एरिया के आसपास, और जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा मैं इसको धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो में एड करता जाऊंगा। सेकेंड जो इसके अंदर दोस्तों सपोर्ट एरिया आएगा वो देखिए इस जगह पे आएगा, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एरिया है दोस्तों ये आ रहा है लगभग 2070 से और ऑलमोस्ट 2070 से 2090 या 2100 तक का ये एरिया है दोस्तों, ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही साथ ये जो ब्लैक लाइन है ये भी इस एरिया को डिनोट कर रही है सपोर्ट के लिए, तो हो सकता है ये स्टॉक यहां तक भी स्लिप कर जाए, तो मैं धीरे 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 इसको बाय करता जाऊंगा जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा। और दूसरा दोस्तों इसमें ये आप ब्लैक लाइन जो स्लेंट लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, इसको आप देख सकते हैं ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो जब तक ये स्टॉक इस लाइन के अंदर अंदर है तब तक मैं इसको बाय करता जाऊंगा, स्टॉप लॉस में इसमें कुछ नहीं रखूंगा क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहेगा।
और इसका जो मेरा टारगेट है दोस्तों, वो टारगेट ऑलमोस्ट रहेगा यहाँ 2500 तक का, क्योंकि ये यहाँ तक, यहाँ पे जैसे आएगा तो उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, यहाँ आएगा, यहाँ से उसके बाद ये लाइन को तोड़ा इसने और ये ऊपर की जब इसकी जर्नी स्टार्ट होगी तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, अपर जो ट्रेंड लाइन है इसकी, यहाँ तक ये आ सकता है। तो लगभग 2450 या 2500 तक का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। ये जो वीडियो है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में जरूर शेयर करें जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और ऐसी लर्निंग्स के लिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल अरोड़ा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।